वो न्याय क्या दिलाएंगे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, जो जाति के नाम पे देश को बांटने का प्रयास करते हैं, जो चुनाव हारने के बाद क्षेत्रवाद की बात करते हैं, वो न्याय क्या दिलाएंगे कि इन्होंने कभी अपने 60 साल की सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं दिलाया, तो अब आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एक दिवसीय हमीरपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान भोटा के एक निजी होटल में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक की है। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा, पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा सहित काफी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर जिला के बड़सर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री हर 14 जनवरी को शुरू होने वाली राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में रही तो कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने में पूरी तरह से असफल रही। बैठक रची गई है और करियर सेक्टर में जिन लोगों को टेलीफोन गए वो ही कृपया बैठक में। और मैं आग्रह करना चाहूंगा मंत्री महोदय जी से कि कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। मैं आग्रह कर न्याय के पर्याय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने देश की जनता के साथ न्याय किया। जो सिख भाई बहने जो मांग कर रहे थे दंगों की, जो भुगतना पड़ा उसका न्याय दिलाने के लिए, तो SIT का गठन किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। भ्रष्टाचारियों से मुक्ति दिलाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन देके न्याय नरेंद्र मोदी जी ने किया। गरीब गरीबी रेखा से बाहर आना चाहते थे तो 13.5 करोड़ गरीबों को, जरूरतमंदों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य पिछले 5 वर्षों में करके न्याय दिलाया। 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान, 12 करोड़ को शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल देना और हर घर हर गांव को बिजली पहुंचाना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में देना और 80 करोड़ लोगों को अनाज, पिछले 3 साल तो दिया अब अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी जी ने दी, ये होता है न्याय दिलाना। वो न्याय क्या दिलाएंगे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, जो जाति के नाम पे देश को बांटने का प्रयास करते हैं, जो चुनाव हारने के बाद क्षेत्रवाद की बात करते हैं, वो न्याय क्या दिलाएंगे जो चीन के एजेंट जिनके साथ काम करते हो, जो डोकलाम की घटना के समय भी चीन के लोगों के साथ दिखते हो, वो न्याय क्या दिलाएंगे जिनकी पार्टी को और उनके नेताओं को बल सोरोस जैसे व्यक्ति करते हो, वो न्याय क्या दिलाएंगे जो अपने ही देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाते हो। ये न्याय करने वाले नहीं, ये दिखावा करने वाले। न्याय नहीं दिला सके जब इनकी सरकारों में उनको वहां से उखाड़ा गया, उनके परिवारों को वहां से पलायन के लिए मजबूर किया गया। ये इन्होंने कभी अपने 60 साल की सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं दिलाया, तो अब आप इनसे क्या उम्मीद करते।